राधे राधे मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पता है कि राधा रानी को बरसाने वाली क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि उनका जन्म बरसाने में हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण तो उसे कृपा करते हैं, पर हमारी प्यारी लाडली जी कृपा करती नहीं है, बल्कि अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, इसलिए उन्हें बरसाने वाली कहा जाता है। आज हम अपने प्यारी बरसाने वाली लाडली जी की रसोई से संबंधित एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। यह एक प्रेरणादायक और रोचक प्रसंग है। दिल्ली शहर में एक दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों लाडली जी के परम भक्त थे। वे दोनों कोई भी काम हरी इच्छा के बगैर नहीं करते थे। यूं तो ये दंपत्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, परंतु श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से दान पुण्य करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इस दंपत्ति का एक ही सपना था कि श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से दिल्ली शहर में एक छोटा सा मकान बनवाए, जिसमें ब्रज की पावन भूमि की रज का इस्तेमाल हो और उस घर का नाम श्यामा श्याम सदन रखा जाए। दोनों ही दंपत्ति ने अपने अथक प्रयासों से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर लगभग 3 सालों में एक प्लॉट खरीद लिया। उनके मन में विचार आया कि वृंदावन की पावन भूमि की रज लाकर अपने भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाएं, पर कोई ना कोई व्यस्तता आ जाने के कारण वे लोग अपने आप को ऐसा करने में असमर्थ पा रहे थे। देखते ही देखते भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, पर वे ब्रज की रज अपने यहाँ न ला सके। जब मकान का 3/4 हिस्सा बनकर तैयार हो गया और सिर्फ रसोई का निर्माण कार्य और कुछ छिटपुट कार्य ही शेष रह गए थे, तो दोनों दंपत्ति एकदम व्याकुल हो उठे। उन्होंने फैसला किया कि वे अगले ही दिन अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले वृंदावन जाएंगे और वहाँ की पावन रज अपने साथ ही लेकर लौटेंगे। यह फैसला करके वे दोनों अगले ही दिन वृंदावन को जाने के लिए निकल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम मुरली मनोहर के पावन दर्शन किए। दर्शन के दौरान ही किसी भक्त का पाँव गलती से उस महिला के ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण उनके पाँव में असहनीय पीड़ा होने लगी। अपनी पत्नी का यह हाल देखकर उनके पति ने उनसे वापस दिल्ली लौट जाने को कहा, पर वह महिला अपने विश्वास पर अधिक थी। वहाँ ब्रज भूमि की पावन रज अपने साथ में लेकर ही दिल्ली लौटेगी। पत्नी का यह अटूट विश्वास देखकर पति को भी हिम्मत आ गई। उन दोनों ने श्री राधा रानी जी को याद किया और एक धर्मशाला में रात गुजारने के लिए रुक गए। सुबह होने पर वे दोनों वृंदावन से बरसाने के लिए निकल पड़े। बरसाना पहुँचते ही दोनों श्री राधा रानी का दर्शन करने के लिए उनके मंदिर पहुँचे। मंदिर में अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण उन्हें सबसे पीछे की कतार में खड़े होने का मौका मिला। थोड़ी देर में ही वहाँ आरती शुरू हो गई। अन्य भक्तों के भांति उस दंपत्ति ने भी श्री राधा रानी जी की आरती का आनंद लिया। आरती के दौरान पूरे मंदिर का वातावरण राधामय होता नजर आ रहा था, जैसे किसी ने मानो सम्मोहन सा कर दिया हो। आरती के खत्म हो जाने के बाद पुजारी जी ने प्रसाद वितरण का थाल सजाकर भक्तों की ओर आगे बढ़े, पर यह क्या, वे आगे के भक्तों को छोड़कर वे सीधे पीछे वाली कतार की ओर बढ़ने लगे। पीछे की कतार में पहुंचते
ही वासीदेव उन्हीं दंपत्ति के पास आकर रुके। पुजारी जी की प्रसाद की थाल में एक ओर तो प्रसाद था और दूसरी ओर रज रखी हुई नजर आ रही थी, जिसे देखकर वे दोनों पति पत्नी अचंभे में पड़ गए। पुजारी जी ने उनकी ओर देखा, कहा, लो बेटा, यह बरसाने की पवित्र रज है जिस पर कभी स्वयं श्री राधा रानी जी के चरण पड़े थे। यह रज तुम लोग अपने साथ लेकर जाओ और अपने निर्माणधीन घर में लगवा लो। इससे तुम्हारे घर पर श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इतना कहकर पुजारी जी ने थाल में रखी हुई रज उस दंपत्ति को सौंप दी। दंपत्ति के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वे लोग इस बात से बड़े अचंभे में पड़ गए कि आखिर में रज वाली बात या तो वे दोनों जानते थे या फिर श्री राधा रानी जी को पता था। तो आखिर पुजारी जी हजारों भक्तों की भीड़ में हम दोनों को ही रज क्यों सौंपी? इसका मतलब या सीधा इशारा श्री लाडली जी का था। उस दंपत्ति की सेवा भाव से वे बहुत प्रसन्न थी और वे अपनी उन दोनों पर कृपा बरसाना चाहती थी। दंपत्ति खुशी खुशी अपने साथ वह रज अपने साथ लेकर दिल्ली लौट आए और उन्होंने अपनी रसोई बनवाने का कार्य फिर से चालू कर दिया। इस बार उन्होंने अपने साथ में लाई हुई ब्रज रज को रसोई के निर्माण में लगवा दिया। इस रसोई का नाम श्री राधा जी की रसोई रखा था। मकान का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर उन्होंने उस भवन का नाम श्यामा श्याम सदन रखा। उन्होंने एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें सभी साधु संतों को दूर दूर से बुलवाकर अपने यहाँ उनकी खूब आवभगत की और यथाशक्ति दान पुण्य भी किया। उसी दिन के बाद से श्री राधा रानी जी की उन पर कुछ ऐसी कृपा हुई कि सामर्थ्य ना होने के बावजूद भी सिर्फ राधा रानी जी के आशीर्वाद से ही वे अपने घर में स्थित श्री राधा रानी जी की रसोई से हर वर्ष वृंदावन में एक बड़े और विशालकाय भंडारे का आयोजन करने लगे, जिसमें हजारों भक्तों के खाना खा लेने के बावजूद भी कभी अन्न की कमी नहीं हुई। आज भी श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से वृंदावन में कोई भी भूखा नहीं रहता। जीवन पर्यंत वह दंपत्ति सदैव श्री राधा रानी जी की सेवा में लगे रहे और उनके आशीर्वाद से एक सुखमय जीवन व्यतीत किया। उन्हें जीवन में कभी धन धान की कोई कमी महसूस नहीं हुई और श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद सदैव उन दोनों पर बना रहा। तो सुना आपने दोस्तों, ऐसी हैं हमारी श्री लाडली जी। जब वे किसी पर प्रसन्न होती हैं तो फिर उस भक्त पर अपनी कृपा बरसा देती हैं, इसलिए तो उन्हें बरसाने वाली कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्यामा श्याम सुंदर की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, बरसाने वाली की जय हो।